हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस सीरीज का पार्ट नंबर 2। अगर फ्रेंड्स आपने जीएस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। ऑप्शन ए 10^-9 मीटर, और ऑप्शन बी 10^-5 मीटर, और ऑप्शन सी 10^-10 मीटर, और ऑप्शन डी 10^-15 मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 10^-15 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए नील्स बोर, और ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, और ऑप्शन सी रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉन डाल्टन। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का जो प्रस्तावित किए थे वो जॉन डाल्टन सबसे पहले प्रस्तावित किए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, परमाणु विद्युतत होते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक रूप से, और ऑप्शन बी उदासीन रूप से, और ऑप्शन सी ऋणात्मक रूप से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उदासीन रूप से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए, इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, और ऑप्शन बी फैराडे, और ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी चैडविक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम अगले पार्ट में बता देंगे आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, प्रोटॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, और ऑप्शन बी थॉमसन, और ऑप्शन सी चैडविक, और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर है, दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, और ऑप्शन बी चैडविक, और ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए चैडविक, और ऑप्शन बी रदरफोर्ड, और ऑप्शन सी एंडरसन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं वो है एंडरसन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, और ऑप्शन बी डाल्टन, और ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी कि परमाणवीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, और ऑप्शन बी थॉमसन, और ऑप्शन सी डी ब्रोगली, और ऑप्शन डी बोहर, ठीक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम की थी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए परमाणु, और ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी धनायन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन बी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, मतलब इन किन किन का योग
बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, और ऑप्शन बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन एक आवेश रहित कण है, मतलब उस पर आवेश होता ही नहीं है, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन बी प्रोटॉन, और ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन है 10^-6 मीटर, और ऑप्शन बी 10^-10 मीटर, और ऑप्शन सी 10^-14 मीटर, ऑप्शन डी 10^-15 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 10^-10 मीटर, यानी कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वो 10^-10 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है आइंस्टीन, और ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, और ऑप्शन सी रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी पाउली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग, यानी कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। ऑप्शन ए है बीटा कण, और ऑप्शन बी है अल्फा कण, और ऑप्शन सी है गामा कण, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से किए थे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, और ऑप्शन बी चैडविक, और ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी मिलिकन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिकन, यानी कि ऑप्शन डी कॉरेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता इनमें से कौन है। ऑप्शन ए एंडरसन, और ऑप्शन बी पाउली, और ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, और ऑप्शन डी चैडविक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउली, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पाउली हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान पर, और ऑप्शन बी परमाणु संख्या पर, और ऑप्शन सी परमाणु भार पर, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर, किसी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन ए n, और ऑप्शन बी n स्क्वायर, और ऑप्शन सी 2nq, और ऑप्शन डी 2n स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2n स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।